साउथ की हिडन जेम यूट्यूब पर फ्री में हिंदी में अवेलेबल है, तो क्यों बॉलीवुड में सालों के बाद उसका रीमेक देखें? आई जस्ट लव किलिंग। अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 7 साउथ मूवीज ऑन यूट्यूब जो सस्पेंस और थ्रिल से भरी हो। वाइफ के शरीर में एक ऐसी खतरनाक ताकत घुस चुकी है जो दुनिया तबाह करना चाहती है। दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पॉइंट के साथ तमिल इंडस्ट्री की मिस्ट्री फैंटेसी थ्रिलर 2016 की जीरो। वीएफएक्स और मूवी की एंडिंग को अगर छोड़ दो तो मूवी बवाल है। खास करके कैमरा एंगल, बॉय साहब दिमाग घूम गया और मूवी की फैंटेसी इमेजिनेशन को मानना पड़ेगा यार। डिसेंट हिंदी डबिंग के साथ मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल। फ्रेंडशिप की अच्छी साइड तो आपने बहुत सी मूवी में देखी होगी, क्या आपने कभी टॉक्सिक और खतरनाक साइड देखी है? दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ क्राइम थ्रिलर 2015 की खून खराबा। तेलुगु इंडस्ट्री की मालुपु नाम की ये मूवी इस लिस्ट की सबसे छोटी है, सिर्फ 2 आवर्स। वही इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्क्रीन प्ले एकदम टाइट, आपको बोर बिल्कुल नहीं करेगी। बस एक या दो जगहों पर ऐसे सीन्स है जो बहुत ही टिपिकल और ओवर एग्जैजरेट लगते हैं। एंड का इमोशनल टच बहुत ही यूनिक था, रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बड़ा मैसेज देता है। और फाइनली आदि पिन्नी शेट्टी की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, खास करके कुछ कॉमेडी सीन्स जो मूवी को एंटरटेनिंग बनाते हैं। यूट्यूब पर जो मूवी अवेलेबल है उसमें कोई एडल्ट सीन नहीं है, फैमिली के साथ जरूर देख सकते हैं। जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, हर एक के चेहरे के पीछे एक चेहरा छिपा है। I always play to win. मिस्ट्री क्राइम सस्पेंस एक्शन से भरी दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पॉइंट के साथ 7th डे। पहले तो वार्निंग दे दूं, मूवी 2014 की है, फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा स्लो, थैंक्स टू यूट्यूब का फीचर 1.5x। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है मूवी वहां से पेस पकड़ती है और आपको एक्साइटेड रखती है। मलयालम इंडस्ट्री की 2 आवर 15 मिनट्स की ये मूवी, बहुत ही अच्छे डायलॉग्स लेकिन ठीक ठाक बैकग्राउंड म्यूजिक, और हिंदी डबिंग की तो भाई पूछो ही मत, मूंछ मार के रखती है। मूवी में कुछ भी एडल्ट नहीं है, 100% फैमिली के साथ देख सकते हैं। सच और झूठ के बीच में फंसा है अपना हीरो, जिसे सालों पुराना एक केस रीओपन करके सच और झूठ का पर्दाफाश करना है लोगों के सामने। लेकिन ये केस सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। सब कुछ फ्रेम्ड है सर, इनमें से कुछ मैंने किया है। क्राइम थ्रिलर दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ 2 आवर्स 22 मिनट्स की सल्यूट। बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग, इस मलयालम मूवी की पूरी कोशिश रहती है आपको टाइट बांध के रखे। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वही बहुत ड्रैगिंग और स्लो है। लेकिन तुलकिर सलमान को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ऊपर से डायरेक्टर ने क्लाइमैक्स में एक ऐसा ट्विस्ट छोड़ दिया जिसपे डिस्कशन किया जा सकता है और मूवी का शायद सीक्वल भी आएगा। लोकेशंस बहुत ही बढ़िया, एक्टिंग उससे भी अच्छी। सोने लिव पर हिंदी में अवेलेबल इस मूवी को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। सबको लगा ये मर चुका है, लेकिन 5 साल बाद ये सीरियल किलर वापस एंट्री लेता है, और ऐसे वैसे नहीं मारेगा, घसीट के तड़पा तड़पा के मारेगा। I love killing, I just love killing. दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ 2018 की क्राइम एक्शन थ्रिलर एमआई का नॉडिगल। भाई अनुराग कश्यप ने चीर डाला एकदम एक्टिंग में। साइकोटिक किलर जो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, इसके अलग अलग तरीके, वो बीच बीच में डायलॉग्स बोलना, हाँ थोड़ा ज्यादा चीजी हो जाता है कुछ कुछ पॉइंट पे, और एक्शन सीन्स तो कुछ इलॉजिकल भी हो जाते हैं। लेकिन तमिल इंडस्ट्री की इस मूवी ने जो सस्पेंस बना के रखा है भाई, फुल मार्क्स। अरे ओके बेबी। मूवी में कई डिस्टर्बिंग सीन्स है लेकिन फिर भी फैमिली के साथ जरूर देख सकते। अगर आप भी साउथ मूवीज से प्यार करते हैं तो चलिए एम करते हैं 20K लाइक्स का नेक्स्ट पार्ट के लिए। हाईवे से एक लड़की गायब हो गई, उसके बारे में जो पुलिस ऑफिसर जानती थी वो भी गायब हो गई। विक्रम को इसका इन्वेस्टिगेशन करना है लेकिन उसके पहले इसे अपनी कमजोरी से लड़ना होगा। 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ क्राइम थ्रिलर 2020 की हिट द फर्स्ट केस। बॉलीवुड का रीमेक देखने से अच्छा आप ओरिजिनल हिंदी में यूट्यूब पर देखो, मूवी स्टार्ट से ही आपको हिलने का मौका नहीं देगी। बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले, 2 आवर्स 10 मिनट्स लंबी है लेकिन एक सेकंड बोर नहीं किया मूवी ने। मूवी लास्ट के 10 मिनट तक कुछ भी रिवील नहीं करती, जिस वजह से क्लाइमैक्स में बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाती है। तेलुगु इंडस्ट्री की इस मूवी का इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट खास करके एकदम जबरदस्त, बस एक हाथ जगह पर किसिंग सीन है, फैमिली के साथ 100% देख सकते। जब मूवी की ट्रेजेडी देखकर आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो और ये एक नहीं कई बार मूवी में हो रहा हो, तो ऐसी मूवी मास्टरपीस से कम नहीं। यकीन नहीं होता, डायरेक्टर बाला ने 2003 में तमिल इंडस्ट्री में ये चमत्कार किया था। किसी भी हॉलीवुड मूवी को टक्कर दे सकती है 20 साल पुरानी ये मूवी। सूर्या और विक्रम की गॉड लेवल की एक्टिंग और मूवी के हर 15 मिनट में एक ट्रेजेडी वाला मोमेंट जो भाई इतना डिस्टर्बिंग तरीके से दिखाया है। मूवी का खास करके क्लाइमैक्स सीन मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा। 2 आवर्स 30 मिनट्स लंबी क्राइम ड्रामा पिता मगन। कंप्लीट लिस्ट यूट्यूब मेंबर्स को कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगी। ऐसी और भी हिडन जेम इंडियन मूवीज के लिए राइट वाले वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।